हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT बुक्स के बारे में। तो इसमें हम लोग क्लास सिक्स की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक को देख रहे थे। तो इसमें अभी तक हम लोग बात कर चुके थे, पांच चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमें बात करनी है गांव का प्रशासन। ठीक है, याद रखिए गांव का प्रशासन, गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए। गांव में झगड़ा। मोहन मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक दूसरे सी मेड़ से लगे हुए हैं, अलग होते हैं एक छोटी सी। ठीक है, एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी, इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक, कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने के थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हमें इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देख लेना। पुलिस थाने की बात करते हैं, पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया, उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया।
अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार और पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग राजस्व विभाग का काम। गांव में राजस्व विभाग का काम, आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून वो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखें। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों को जमीन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये है, देखिए। ठीक, आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ किसका खिसका कर खेत की सीमा बदली गई। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसलिए जरूरी है कि वह उस उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआ खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोगों इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आप तहसील, कहीं तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी, फिर उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कोई कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए। ठीक है, ये हेक्टर में ये जमीन है या का मालिक, यह बटाई दूसरे किसान के नाम पर हिस्सा, ये फसल या क्षेत्र हो गया, अन्य फसलें, प्रति जमीन सुविधाएं। ठीक है, देखते रहिए। वह हम लोग किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है।
इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इनको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाएंगे, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती है? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए, उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि किस लिए। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे या बेटियों से करना चाहता है। ठीक, जब एक किसान दूसरे को जमीन बेचता है तब, और जब एक किसान अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से ऋण लेता है तब भी जरूरत होती है, एक किसान अपनी जमीन पर अपने बेटे बेटियों को बांटना चाहता है, उसमें भी नाम अगर आप किसी के नाम कर रहे हैं तब जरूरत पड़ती है। ठीक, अब बात करते हैं एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून ने से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतीहार परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और उसकी दोनों बेटियों के नाम भी रिकॉर्ड आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंतता में जी रही कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। एक बिटिया की चाय। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या? बता दिया गया कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरत नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। यह रिफ्लेक्शंस ऑफ माय फैमिली अंजलि मॉन्टेरियो टिस मुंबई द्वारा। ठीक है, इस कविता भी और एक चित्र भी उन्हीं का है। अन्य सार्वजनिक सेवाओं की बात करें, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार की कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, दूसरा था जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाने, बीज खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी वाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल। तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए अपने अति, ठीक है, देख लेंगे।
ये अभ्यास में आपके क्वेश्चन है। पुलिस का क्या काम होता है, पटवारी की कोई दो काम बताइए, तहसीलदार का क्या काम होता है, एक बिटिया की चाय वो एक कविता थी। आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है क्यों? पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा है, पंचायत और टिप्पणी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है ये भी देख लेना। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात निरीक्षण नियंत्रण अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्यौहार या सार्वजनिक समारोह में। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा, उसी 2005 वाले। ठीक, आपको पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसका नाम जमीन जायदाद हो, यदि हाँ तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, इसे भी देखिए। ठीक, तो ये था हमारा छठवां चैप्टर गांव का प्रशासन। अब बात करेंगे कल हम लोग नगर प्रशासन के बारे में। ठीक है।